इस बार हम लोग वैक्सिंग वगैरह कुछ भी करवाने के लिए बाहर नहीं गए सैलून में। अपने घर शादी की बात करना यार। आप एक काम करो, मेरे पापा को फोन करो। अरे तू पागल हो गया, से डायरेक्ट कौन फोन करता है? तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे गाइस, तो आज राधे के स्कूल में पीटीएम है क्योंकि आज राधे का रिजल्ट है। हम लोग सारे जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। और अभी अभी रूप के साथ एक घटना घटी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ यार? वो कोल्ड ड्रिंक किसी ने ना, वो फ्रूटी नहीं होती, वो पी के फेंकी हुई थी। आए आके उसके ऊपर पैर मार के उसका पटाखा फोड़ रहे थे। सारी मेरे को पड़ोता ऊपर ऊपर कर। वो ना, इनको पता नहीं था, इनसे गलती से हो गया कि रूप इनके पीछे आई। इन्होंने ऐसे करके पैर मारा और ये एकदम से पीछे आ गई और इसके ऊपर गिर गया। वो शांति से बैठे भी तो है। इसका रिजल्ट है इसका, ये जो मैम बैठी है ना आगे, इस मैम का रिजल्ट है आज। पता नहीं क्या करके आई है ये। हमें तो कल से पता क्या बोल रही है, मैं तो पास ही पास हूँ, मैं तो फर्स्ट ही फर्स्ट हूँ। हाँ, इसका पहले फंक्शन नहीं हुआ था जिसमें इसको वो मिला था, सूटकेस मिला था। कहती मम्मा मैं उसमें पास हो तो गई थी, अब केड़ा पास होगा, रोज रोज पास होना। और करिए एक बार मिल तो गया मुझे जो मिलना था। इसको तो ये टेंशन भी पड़ गई है कि रोज रोज पास होना पड़ेगा मेरे को। और ये देखो पापा के चेहरे पर आज कितनी स्माइल है क्योंकि आज बेटे का रिजल्ट है ना। जो पहला रिजल्ट होता है उसमें पेरेंट्स कितने इमोशनल होते हैं, कितने इमोशंस जुड़े होते हैं बच्चे को स्कूल भेजना पूरे सालों के बाद रिजल्ट आएगा। मैंने तो इसके सारी बुक्स जो पुरानी थी ना, जो इसके अभी इसने स्टडी होके रख दिया, मैंने सारी एक उसमें फाइल में लगा के अच्छे से संभाल के रख दिया। इसको दिखाऊंगी बाद में कि तुम छोटे होते ऐसे ऐसे पढ़ा करते रही है। स्टार लेके आती थी पूरी कॉपी पे, कॉपी पे भी और मुंह पर भी। हाँ। कभी मुंह पर कभी हाथ पे। अभी इसको टेंशन में था क्या पड़ी हुई है। राधे इधर देख पीछे मुकर, क्या टेंशन पड़ी हुई है, कहीं बच्चे यूनिफॉर्म में ना आ जाए और मेरे को ये वाले कपड़े पहना दिए। तो गाइस ये हम लोग अब चल पड़े हैं। और ये देखो अब नहीं, ये पीछे मुड़ के देखेंगे। और इधर इनका बॉलीवुड कोर्ट है, देख रही है पीछे। क्यों नहीं बनानी वीडियो ताकि लोगों को गाइस को पता ना चल जाए तेरे कितने मार्क्स आए हैं। हाँ? आज हम लोग राधे के स्कूल में, अब मैं कैमरा बंद कर दूंगी, बाद में ओपन करेंगे। लेकिन आज इन्होंने डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी की है, फ्लावर्स ही फ्लावर, ये सब कुछ नया न्यू पेंट हुआ है मुझे लगता है। और ये है कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे को गाइस, ये दोनों लगे पड़े हैं यहाँ भी खेलने। ये राधे की क्लासरूम है, इनकी स्टेज है, ये एंट्रेंस। तो गाइस आज राधे का रिजल्ट था, लेकिन रिजल्ट में इसको अभी फोटो मिलना था, वो भी अवेलेबल नहीं है। मैम बोलते फर्स्ट डे भेज दूंगी, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी आज बहुत ही अच्छा इम्तहान बनाया हुआ है, हर एक चीज़ अच्छे से डेकोरेट की हुई है। इसकी प्रिंसिपल मैम से मिलना है, आज हम मैम से मिल के जाएंगे। आई अगर पे अकेले ऐसे हो सकता है वो आई हो और वो झूले ना लेके जाए। चल याद करवा दे। अच्छा आदित्य चाचू है घर पे। हाँ। चलो फिर चलो, दो मिनट जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ले ले, जल्दी जल्दी हरे फास्ट फास्ट ले ले, चलो दे दो। दीदी निकले तेरे से तब बना। उसको नहीं खाना बेटा, उसका नहीं खाना। झूले इतने ज्यादा ना, सब में कंफ्यूज हो गई है। ये देखो इसको। हम लोग जब अपना घर ले लेंगे ना, उसके बाद तेरे को छोटा सा ये लेके देंगे, छत पे यही लगवा देना एक। चल आ जा अब, आजा पापा देख गाड़ी में बैठे हैं अकेले। तो गाइस सबसे पहले करते हैं मूवी की प्रमोशन, जो सबसे जरूरी है क्योंकि 2-3 दिन में मूवी का शूट स्टार्ट होने वाला है। मूवी की तैयारी जाना कर रहे हैं, जो उनके हाथ में और जो हमारे हाथ में है वो हम लोग खुद कर रहे हैं। इस बार हम लोग वैक्सिंग वगैरह कुछ भी करवाने के लिए बाहर नहीं गए सैलून में क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक मिनट का टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग बाहर जाएं, क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे जाना को हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम लोग सारा घर पे कर लेंगे क्योंकि हम लोग कर लेते हैं ये सारी चीजें घर पे। तो अब मैं कर रही हूँ रूप की वैक्स, उसके बाद ये करेगी मेरी, और भी छोटे छोटे इतने सारे काम अभी हमारे पेंडिंग है, वो हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे और साथ साथ में आपको दिखाते रहेंगे। और आराध्या पूरी एक्साइटेड होके बैठी हुई है, हमें देखती है ना करते, फिर इसके मन में भी वो होता है, अब हमें बोल रही है मम्मा मैं भी उतार लूं थोड़े से बाल। और फिर डरती भी है जब रूप सी करती है ना, फिर ये डरती है। डर लग रहा है कितना?
जाए बच्चे की तरह। कहती मुझे डर लग रहा है कहीं मम्मी बच्चे की तरह रो ना जाए। अब कल हमारी प्रैक्टिस भी है, जितने भी करेक्टर है हमने सबको बुलाया हुआ है, कल हम उनकी सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे, अपनी भी खुद एक फाइनल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इतनी सी भी कमी ना रहने दें मूवी में, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें हम तो, मतलब इतना हम लोग इतने बड़े हो तो है नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से और पूरी परफेक्शन के साथ हम लोग बनाए। और ये देखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसका इतना भी सबर नहीं हो रहा कि मैं ब्लॉग में कुछ बोल लूं, ये खुद लगी हुई है दोनों कर रही हूँ। तो फैमिली आई को छोड़ दिया हमने गांव में, तो अब मैं छोड़ के जाने लगा हूँ। चल बाय कर दे, फोन में बाय कर, बोल बाय। कौन? फोन में बाय बोल। बाय। हाथ हला ऐसे बाय। बोल सब्सक्राइब कर लो। है? सब्सक्राइब कर लो। हाँ भाई कर लेना भाई, जैसे बोला गया उसे। तो गैस अभी मैं अपनी दादी को घर छोड़कर आया हूँ और अभी हम मूवी की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारे जो करेक्टर हैं मूवी वो सभी आए हैं, आज हमारे घर आ रहे हैं और अभी हम मूवी की प्रैक्टिस शुरू करेंगे कुछ ही देर में। और बाकी ये बीएड वगैरह बाल वगैरह मैं अभी नहीं कट करवा रहा हूँ क्योंकि मूवी एक दो दिन में शुरू हो जाएगी, तब मैं अपने फेस की भी सेटिंग करवाऊँ। मानसी तू अपने घर शादी की बात कर रहा यार, आप एक काम करो मेरे पापा को फोन करो। अरे तू पागल हो गया, डायरेक्ट कौन फोन करता है? अरे कुछ नहीं होता मेरे पापा बहुत अच्छे, आप फोन करो। कर ले भाई कर ले, कुछ नहीं होता। फिर उसका बीजे का डायलॉग है, ठीक है कट बंद कर। पागल हो गई है तुम, तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया इससे? अच्छा तो पूरी लाइफ कुंवारी बैठी है, कल को भाई की शादी हो जाएगी, बैठने देंगे मुझे सारी लाइफ। तो वो लड़के मर गए हैं क्या? रो बेटा। हाँ जी पापा, फिर आ गया थोड़ी। बेटा ये तू कैसी बात कर रही है, अपने साथ साथ तो उन लोगों की भी लाइफ खराब कर देगी। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परसों को फिल्म का शूट है, फर्स्ट डे है और ये देखिए हमारे स्टार साहब क्या कर रहे हैं, खुद ही बर्तन धो रहे हैं। हाँ जी स्टार साहब क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में पता है क्या, रूप और मानसी ना सुबह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपने देखा है, और सुबह से जो अरेंजमेंट खाने का ये वो ये चीजें यहाँ की वो बुक कर रहे हैं, जो उसके अलावा की चीजें वो मैंने बुक कर दी थी, तो वो थक चुके हैं प्रैक्टिस भी, सब जितने लोग आए उनका खाना पानी वो खुद से ही कर रहे हैं। तो अभी गए हुए थे, मुझे बर्तन दिखाई दिए, मैंने कहा उन्हें क्या आने तक मैं जल्दी जल्दी धो दूं, फिर वो आकर ताकि इनको देखकर ऐसा ना सोचे हाँ इतने बर्तन फिर धोने पड़ेंगे, तो ऐसी चीजें मैं कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ये, चलो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मन हो गया कि यार सुबह से लगे हुए हैं। और स्टार स्टूल तो ऐसे हम कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया बन भी गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ तब भी आपको ये काम घर का करता दिखाई दे दूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं होता यार, वो भी हमारी वाइफ है, वो भी अगर मेरे बराबर कई काम कर रही है, वीडियोस मेरे बराबर बना रही है, सब चीजें मेरे बराबर कर रही है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो खाना या वो चीजें मेरे से एक्स्ट्रा करे, सो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो गैस मूवी में ना हमारा भंगड़ा भी है, डांस भी है हमारा, सो उसकी भी अभी प्रैक्टिस चल रही है। गाइस बहुत जल्दी हमारी स्टोरी आने वाली है, और आपको आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट रोज किया करो। बाय बाय।